भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारत की आज़ादी में बिहार का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिहार के भी अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी, कहीं वे भुला दिए गए तो कहीं उनकी शहादत को लोग सैल्यूट करते हैं। ऐसे में आपको इस वीडियो में हम बिहार के उन गांवों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल निभाया था। पहले बात करते हैं बेगूसराय के बारे में। जंगे आजादी में बेगूसराय का भी अहम रोल है। यह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जिला है। बिहट के पास ही परना पंचायत में यह गांव अवस्थित है और इसका नाम भी राष्ट्र कवि के नाम पर दिनकर निर्मल ग्राम रखा गया है। ऐसा गांव है जहां प्रत्येक दिन और सुबह शाम भगवान के साथ साथ माँ भारती के वीर सपूतों की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस गांव के लोग लगभग 3 दशक से अधिक समय से हर दिन और सुबह और शाम आजादी के दीवाने महापुरुषों की प्रतिमाओं की न सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं बल्कि उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। आप कह सकते हैं कि यहां पूजा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ देशभक्ति के तराने भी गूंजते हैं। यह सिलसिला 1991 से लगातार चल रहा है। दरअसल गाँव में एक पोखर है, उसी पोखर के मुहाने पर वर्षों बरस से एक शिवालय था। 1987 में यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर बनवा कर दुर्गा पूजा की गई। इसके बाद 1990 में भगवान की पूजा के साथ महापुरुषों की भी पूजा का फैसला ग्रामीणों ने लिया। इसके बाद शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। आधा दर्जन से अधिक शहीदों की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को आज भी लोग भगवान के साथ पूजा करते हैं। गाँव के शहीद गाँव वालों को किसी भगवान से कम नहीं समझते। देश की आज़ादी में छपरा गांव का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह गांव शिवहर के तिरियानी में अवस्थित है। शिवहर पहले सीतामढ़ी में था। इस गांव के 11 लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी थी। जन सहयोग से शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनवाया गया। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए देश के कई वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इसमें छपरा गांव के 11 वीर सपूतों ने एक साथ शहादत दी थी और वह दिन था 30 अगस्त 1942 का। कहा जाता है कि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से वे सब शहीद हो गए थे। इस बलिदान और त्याग को लेकर इस गांव के लोग आज भी बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहा जाता है कि 30 अगस्त 1942 की शाम अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ बिलसंड के रास्ते बागमती नदी को पार कर तरियानी के छपरा गांव पहुंचे थे। वे सब गांव में मौजूद आंदोलनकारी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए थे। इसी में नवजत सिंह, भूपन सिंह, जय मंगल सिंह, परसन साह, बुधन महतो, बलदेव साह, सुखदेव सिंह, सुंदर राम, बंसी दास और छटू को गोली लगी और वे वीर सपूत सदा के लिए धरती माँ की गोद में सो गए। आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन लगता है मानो ये कल की ही बात हो। ऐसा ही एक गांव है बंगरा। सिवान के इस गांव से 27 स्वतंत्रता सेनानी निकले थे। जंगे आज़ादी में उनके योगदान को याद कर आज भी गांव के लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। यह बंगरा गांव जिला मुख्यालय से ठीक सटा हुआ है। कहा जाता है कि महाराजगंज में जब अंग्रेजी हुकूमत का विरोध शुरू हुआ तो उमा शंकर प्रसाद ने नौजवानों की टोली का नेतृत्व किया था। इसे देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उनके खिलाफ 1942 में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद उमाशंकर प्रसाद अंडरग्राउंड हो गए। गांधी जी ने उस पीरियड में 1001 रुपए डोनेट किए थे ताकि आंदोलनकारियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। गांव में सभी 27 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची शिलापट पर अंकित है। इसमें देवशरण सिंह, रामलखन सिंह, टुकड़ सिंह, गजाधर सिंह, रामधन राम, राम सिंह, सुंदर सिंह, राम परीक्षण सिंह, शालिग्राम सिंह, गोरख सिंह, फेकू सिंह, जूठन सिंह, काली सिंह, सूर्यदेव सिंह, बम बहादुर सिंह, राजनारायण उपाध्याय, राम इकबाल सिंह, तिलकेश्वर सिंह, देव पूजन सिंह, रघुवीर सिंह, नागेश्वर सिंह, शिव कुमार सिंह, झूलन सिंह और राजा राम सिंह शामिल हैं। इन सबके नाम महाशिलापट पर अंकित हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात में तारापुर का जिक्र किया था। दरअसल नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी शेयर करने की अपील की थी जिनकी चर्चा कम होती है। इसी क्रम में मुंगेर के जयराम विप्लव ने तारापुर शहीद दिवस के बारे में पीएम को जानकारी दी। तब पीएम मोदी ने अपने मन की बात में तारापुर में 15 फरवरी 1932 की उस घटना की चर्चा की जिसमें एक दो नहीं बल्कि 34
स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। खास बात यह कि इनमें से 13 वीर सपूतों की पहचान हो गई थी, लेकिन बाकी के 21 वीर सपूतों की पहचान नहीं हो पाई। इसी शहादत के लिए हर वर्ष 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि 15 फरवरी 1932 को आजादी के दीवानों ने तारापुर थाना पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां खाई थी। उनके अंदर तिरंगा फहराने का जुनून ऐसा कि लाशें गिरती रहीं पर तिरंगा गिरने नहीं दिया। अब बात करते हैं पटना की। उस समय पटना भी किसी गांव से कम नहीं था। तब देश आजाद नहीं हुआ था, यह 1942 का वाकया है। 11 अगस्त को तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया। इसे लेकर पूरे देश की तरह बिहार में भी आंदोलन ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन संयोगवश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए। सदाकत आश्रम में ही रह रहे थे। पटना के तत्कालीन डीएम उन्हें भागलपुर जेल भेजने के लिए सदाकत आश्रम पहुंचे ताकि आंदोलन गति नहीं पकड़ सके। लेकिन जब वे सदाकत आश्रम पहुंचे तो देखा कि राजेंद्र बाबू की तबीयत उस लायक नहीं है कि उन्हें भागलपुर भेजा जा सके। इसके बाद उन्होंने सरकार से सलाह लेकर यह फैसला किया कि उनको बांकीपुर जेल में ही रखा जाएगा। उधर 11 अगस्त की सुबह अशोक राजपथ आंदोलनकारियों से भरा हुआ था। आंदोलनकारी बांकीपुर के बाद सचिवालय की ओर झंडा फहराने चल निकले। मिलर हाई स्कूल के 9वीं के छात्र 14 वर्षीय देवीपद चौधरी तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे थे। देवीपद सिलहट के जमालपुर गांव के रहने वाले थे। यह गांव भी बांग्लादेश में है। वह झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे और अचानक उनके सीने में गोली लगी और वे गिर पड़े। तिरंगा को पुनपुन हाई स्कूल के छात्र राय गोविंद सिंह ने थाम लिया। राय गोविंद पटना के दसरथा गांव के रहने वाले थे। उन्हें भी गोली मार दी गई। तब तिरंगा राममोहन राय सेमिनरी के छात्र रामानंद सिंह ने हाथों में थाम लिया। रामानंद पटना के ही शहादत नगर गांव के रहने वाले थे। अगली गोली से वे भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तब तक तिरंगा को पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग के राजेंद्र सिंह लेकर आगे बढ़ने लगे। राजेंद्र सारण के बनवारी चक गांव के रहने वाले थे। उन्हें भी गोली लगी और भारत माता की जय कहते हुए गिरने तक तिरंगा बीएन कॉलेज के छात्र जगपति कुमार थाम कर आगे बढ़े। जगपति औरंगाबाद के खराटी गांव के रहने वाले थे। लक्ष्य बस कुछ ही कदम पर था कि जगपति तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उन्हें एक साथ 3 गोलियां लगी। जगपति के शहीद होते ही पटना कॉलेजिएट के छात्र सतीश प्रसाद झा ने तिरंगा थामा। सतीश भागलपुर के खड़हरा के रहने वाले थे। उन्हें भी गोली मार दी गई। तिरंगा अब राम मोहन राय सेमिनरी के 15 साल के छात्र उमाकांत सिंह के हाथ में था। लक्ष्य सामने था। गोली चली, उमाकांत गिर पड़े, लेकिन तिरंगा तब तक सचिवालय पर लहराने लगा था। आज उन 7 शहीदों की एक साथ मूर्ति सचिवालय के पास है। यह शहीद सप्तमूर्ति चौक के नाम से फेमस है और सभी शहीदों की एक साथ बनाई गई मूर्ति देखते ही बनती है। ऐसे वीर सपूतों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।